नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की 75 खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ का समीक्षा के बाद निर्देश, विवाह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति। इंटरनेशनल योगा डे पर यूपी में इस बार होगा योगी संघ योगा, होंगे डिजिटल कंपटीशन, विजेता प्रतिभागियों को मिलेगा इनाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से नाइट कर्फ्यू को प्रतिबंध में ढील देने का किया ऐलान, 2 माह बाद खोलेंगे रेस्तरां और मॉल। कानपुर में सीएसए के कृषि वैज्ञानिकों ने मल्टीग्रेन दलिया को किया विकसित, जिसके प्रयोग से शरीर में बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से मिली धमकी, फर्जी नंबरों के जरिए कई बार आया कॉल। रायबरेली में नगर पालिका के सबसे बड़ी लापरवाही आई सामने, सीवर टैंकर के खुले होने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। जालौन में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, झगड़े में दो पक्षों के लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। ताजनगरी आगरा में मौत वाली मॉक ड्रिल से सुर्खियों में आए पारस हॉस्पिटल को मिली क्लीन चिट, कमेटी ने प्रशासन को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। बुलंदशहर में दो नाबालिग बच्ची और एक बच्चा नहर में डूबे, बच्चों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से नहर से सुरक्षित निकाला गया। हमीरपुर में एक फर्नीचर की दुकान में अचानक लगी आग, आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। विधान परिषद सदस्य एके शर्मा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त, अन्य मोर्चों के भी अध्यक्ष के हुए घोषित। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, जिले में एक हफ्ते तक नहीं मिला कोरोना संक्रमित तो करेंगे पुरस्कृत। लखनऊ पहुंचते ही तेवर में दिखे जितिन प्रसाद, बिना नाम लिए कांग्रेस सपा और बसपा पर कसा तंज। गैंग चार्ट बनाने में पुलिस की कारगुजारी से इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ नाराज, 31 दिसंबर तक नियमावली बनाने के निर्देश। गेट पर फिर शुरू हुआ पक्का निर्माण, राकेश टिकैत बोले बिना शर्त बात करे केंद्र सरकार। हर महीने हो सकता है पीएम मोदी का यूपी दौरा, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। मुरादाबाद के पागबड़ा में पति से झगड़े के बाद महिला ने फांसी के फंदे पर झूल कर की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में आधी रात छेड़खानी को लेकर हुआ मारपीट और तोड़फोड़, तनाव के चलते भारी फोर्स की गई तैनात। मुजफ्फरनगर में महिला के साथ हुआ दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर युवती को आरोपी ने किया ब्लैकमेल। यूपी में 2 से अधिक बच्चों वालों को सुविधा में होगी कटौती, सरकारी योजनाओं के लाभ में किया जा सकता है वंचित।
भदोही जिले में कुएं में मानव कंकाल मिलने से फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटे पुलिस। यूपी में एक ही रंग की होंगी शहर के मुख्य मार्गों की इमारतें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। गोरखपुर में विवाद में फंसी जीडीए की अत्याधुनिक टाउनशिप, ग्रामीणों के काम को रोकवाकर मुआवजे की उठाई गई मांग। मेरठ में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए बनाए जाएंगे 600 कोविड वार्ड। मुजफ्फरनगर में दहेज की मांग पूरी न होने से नाराज पति ने पत्नी को दिया तलाक। लखनऊ से लौटी अलीगढ़ की एसटीएस टीम, सोना और महिला तस्करी में शामिल रोहिंग्या का नेटवर्क खंगालने में जुटी। कोर्ट से अनुमति लेकर कुर्क होगी मोस्ट वांटेड आईपीएस मनीलाल पाटीदार की संपत्ति, एंटी करप्शन कोर्ट में दी जाएगी अर्जी। प्रयागराज पुलिस ने जब्त की स्कूल प्रबंधक की रिवॉल्वर व राइफल, नौकरी लगवाने के नाम पर करता था ठगी। लखनऊ में स्कूल का अवैध निर्माण प्रशासन ने ढहाया, अराजकता से परेशान थे काला कालर कॉलोनी के निवासी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या के मददगारों के भी मिले सुराग, एटीएस ने तेज की छानबीन। मुख्तार के गुर्गों की तलाश में गाजीपुर, मऊ और लखनऊ पुलिस ने दी दबिश। रायबरेली में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, एसओ और सिपाही पर बरसाए लाठी डंडे। रायबरेली में मुख्तार अंसारी का गुर्गा बता, व्यापारी से मांगी रंगदारी, पुलिस ने 24 घंटे में दबोचा। बहराइच में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा घाघरा का जलस्तर, लखीमपुर और बलरामपुर के कई गांव में कटान जारी। बलिया जिले में पूर्व पीएम चंद्रशेखर के गांव के अस्पताल को संवारेगी उत्तर प्रदेश सरकार। वाराणसी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास का लक्ष्य आवंटित, 5,187 गरीबों को मुहैया होगी छत। वाराणसी में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया शपथ ग्रहण। काशी के विकास को लेकर मंत्री से मिले बिल्डर, मुख्यमंत्री के नाम पत्रक सौंपकर समस्याओं से कराया अवगत। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा 2 दिवसीय रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड यायला का हुआ शुभारंभ। जौनपुर में दुष्कर्म और हत्या की घटना में वांछित 25,000 का इनामी मुठभेड़ में हुआ घायल। वाराणसी के रामनगर थाने में गंदगी देख भड़के पुलिस आयुक्त, मरम्मत कार्यों की हुई समीक्षा। वाराणसी में विशेश्वरगंज प्रधान डाकघर में कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर किया प्रदर्शन।
गाजीपुर में एशिया के सबसे बड़े गांव गहमर से शवों का जल प्रवाह न करने का किया गया संकल्प। आजमगढ़ जिले के 82 गांव में स्थापित होगा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। एम्स गोरखपुर में गेट से लौटाए जा रहे भर्ती होने आने वाले मरीज, 6 दिन में केवल 4 मरीज हुए हैं भर्ती। गोरखपुर सपा जिला अध्यक्ष के गोदाम से 527 बोरी सरकारी खाद्यान्न बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। पर्यटकों की सुविधा के लिए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बौद्ध तीर्थ स्थलीय श्रावस्ती व लुम्बिनी के लिए हेलीकॉप्टर व चार्टर प्लेन की होगी सेवा शुरू। गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पर बनेगा स्मारक, सीएम ने जिलाधिकारी को दिए जरूरी निर्देश। देवरिया के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेश यादव की फॉर्च्यूनर गैंगस्टर मामले में कोतवाली पुलिस ने की कुर्क। कुशीनगर जिले में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने गई प्रशासनिक टीम पर अवैध कब्जाधारियों ने किया पथराव, पथराव में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। गोरखपुर में आबकारी टीम की बड़ी कार्यवाही, 2000 किलो लहन किया गया बरामद, 5 धंधेबाजों पर हुआ मुकदमा। कुशीनगर में खड्डा क्षेत्र में करीब 1 दर्जन गांव में जल भराव की स्थिति से आक्रोशित ग्रामीणों ने बांध काट कर जल निकासी का बनाया रास्ता। सिद्धार्थनगर में छात्र को अज्ञात लोगों ने की गला रेत कर जान से मारने की कोशिश, मामले की जांच में जुटे पुलिस। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने किया अलर्ट, डॉक्टरों से तीसरी लहर के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए गंगा दशहरा पर संगम तट पर हुआ पूजन। आरएसएस के गंगा समग्र की राष्ट्रीय बैठक में वक्ता बोले, आमजन के सहयोग से गंगा होगी स्वच्छ। प्रतापगढ़ में युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, विवाहिता ने पति से कहा सुनी के बाद की आत्महत्या। कोरोना काल में कार्ड धारकों को 3 माह तक निःशुल्क मिलेगा राशन, प्रयागराज में भी लोगों को मिलेगा लाभ। भारतीय जनता पार्टी के कई मोर्चों के पदाधिकारियों की घोषणा पर प्रयागराज में जताई गई खुशी। आरएसएस में हुआ सांगठनिक बदलाव, डॉक्टर पीयूष बने विभाग प्रचारक, 2 प्रचारकों के व्हिप में भेजा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद प्रयागराज में बोले, डॉक्टर अथवा पैरामेडिकल स्टाफ पर हमला अक्षम्य। अंधेरे में रोशनी बिखेरेगी आधी दुनिया की सोलर शो, प्रतापगढ़ में समूह महिलाओं बनाएंगी सोलर लैंप और टॉर्च। नाबालिग बेटी के हाथों महिला की पीट कर हत्या के मामले में प्रयागराज पुलिस ने फरार आरोपित को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में तेज हवा
नमाज में बाजा बजाने से रोकने पर बमबाजी करने वाले नशेड़ियों को खोज रही प्रयागराज पुलिस। हस्तिनापुर में तटबंध, कई गांव की फसलें जलमग्न, बिजनौर में भी हालात बिगड़े। मेरठ की ईशानी को मिला 16 करोड़ का जीवन रक्षक इंजेक्शन, एम्स में निशुल्क इलाज के लिए हुआ था चयन। बागपत में सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रकरण में रालौद के 40 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा हुआ दर्ज। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और हाईवे की हर माह में की जाएगी ड्रोन से वीडियोग्राफी। मेरठ में अवैध संबंधों के चलते इंजीनियर ने शिक्षिका पत्नी को घर से निकाला, 4 वर्ष पहले हुई थी शादी। सहारनपुर में परिवार को गन पॉइंट पर लेकर लाखों रुपए की हुई डकैती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में हुई मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर हुआ गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर पर 42 मुकदमे है दर्ज, एक आरोपित हुआ फरार। ताजनगरी के 1838 लोगों को वैक्सीन के साथ मिला आयुष्मान कार्ड का तोहफा। आगरा के शमशाबाद में करंट से युवक की हुई मौत, ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार करने से किया इनकार, मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगाने का किया प्रयास। जिन्ना पर बोले सांसद, जिसने देश के टुकड़े किए हों उसकी तस्वीर इस देश में रखने का कोई औचित्य नहीं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।